हेलो फ्रेंड, नमस्ते। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। आज मैं आपके सामने DIY लेकर के आई हूँ अपने फेस को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और लाइट करने के लिए। अगर आपके फेस में बहुत ही ज़्यादा डार्क स्पॉट्स है, डार्क सर्कल्स है और उन सभी चीज़ों से परेशान है, तो आज का ये DIY फेस मास्क आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आज मैं आपके सामने बताऊंगी बेसन से किस तरीके से आप बहुत ही इजीली, बहुत ही कम समय में फेस मास्क रेडी कर सकते हैं। इससे आपका स्किन हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट और आप दिखोगे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो आज का ये DIY फेस मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए हो एक साफ कटोरी, उसमें चाहिए आपको 1 से 1.5 चम्मच, 2 चम्मच के आसपास आप बेसन ले सकते हैं। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ा कम और ज़्यादा भी रख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बेसन आपके फेस को डीपली एक्सप्लॉइट करता है, आपके फेस से पिगमेंटेशन, डलनेस, ड्राइनेस को ख़त्म करता है और आपके फेस को बहुत ही लाइट और ब्राइट करता है। उसके बाद हमने लिया है ये हल्दी है। हल्दी आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वाला ऑर्गेनिक वाला हल्दी लेना है दोस्तों। हल्दी पाउडर आपको मार्केट में बहुत तरह की मिलेगी, लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी स्किन पे लगा रहे हैं तो ऑर्गेनिक हल्दी लगाएं, जिससे आपको किसी तरह का कोई रैसेस, कोई पिंपल्स वगैरह ना होने पाए। हल्दी से आपका फेस बहुत ही सुंदर, खूबसूरत और दमकता रहता है दोस्तों, बिल्कुल जवां और खूबसूरत दिखता है। तो यहाँ पे 1/4 चम्मच आपको जो है हल्दी लेना है। हल्दी मैंने आपको बताया कि आपके फेस को बहुत ही खूबसूरत करता है। हल्दी में पाया जाता है एंटीबैक्टीरियल और जैसे कि घाव वगैरह में बहुत ही जल्दी ये जो है सुखाता है, ठीक करता है, तो बहुत ही एंटीसेप्टिक का ये काम करता है। तो हल्दी आपके फेस से कील मुहासों को दूर करता है, डार्क स्पॉट, दाग धब्बे को भी दूर करता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको चाहिए होगा नींबू, तो आधा से भी थोड़ा सा, 1/4 आपको छोटा वाला नींबू लेना है और उसमें से आपको बीज निकालते और उसके बाद आपको इसमें नींबू का रस डालना है। नींबू में पाया जाता है भरपूर मात्रा में विटामिन सी, जो कि हमारे फेस के ड्राइनेस, डलनेस और डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स वगैरह को दूर करता है। अगर दोस्तों नींबू आपको शूट नहीं करता है, जैसे बहुत सारे लोगों क्या होता है प्रॉब्लम होती है, स्किन सेंसिटिव होती है, तो नींबू नहीं लगाते हैं, तो नींबू की जगह पे आप यहाँ पे गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब जल भी हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही बढ़िया होता है। उसके बाद आपको चाहिए होगा 1 चम्मच के आसपास शहद यानी कि हनी, जो कि हमारे फेस में जो है ना दोस्तों एक अलग सी चमक लेके आएगा, खूबसूरत बनाएगा आपके फेस को और बहुत ही ज़्यादा लाइट करेगा, ब्राइट करेगा आपके स्किन को, आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा जवां और खूबसूरत बनाएगा दोस्तों। हनी में भी पाया जाता है भरपूर मात्रा में मेडिकल प्रॉपर्टीज, जिसको कि हर तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। स्किन के साथ साथ ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, एंटीबॉडी का काम करता है, ये हमारे शरीर में जाकर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इससे भी आपको जो है बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है, आपका स्किन जवां और खूबसूरत दिखता है। इसके साथ साथ ही सर्दी, जुकाम, खांसी में लोग अक्सर हनी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी खांसी, सर्दी, जुकाम ठीक होती है। डेली 1 चम्मच अगर आप शहद खाते हो तो आपको दूर दूर तक कभी भी कोई खांसी, सर्दी, जुकाम नहीं होगा। तो हनी का यहाँ पे उपयोग ब्यूटी के साथ साथ मेडिकल के लिए भी किया जाता है दोस्तों। इसी तरीके से हमारा टर्मरिक भी दोस्तों ब्यूटी के साथ साथ आपको जो है मेडिकल प्रॉपर्टीज भरपूर मात्रा में इसमें पाया जाता है। इसके अंदर मैंने बताया आपको एंटीसेप्टिक का गुण होता है, एंटीबॉडी होता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल गुण होता है, जो कि अक्सर आप चोट वगैरह लगने पे लगाने पे बहुत ही जल्दी वो ठीक कर देता है। इसी तरीके से हमारे फेस में अगर कील मुहासे है, दाग धब्बे है, तो उसको हटाने के लिए हल्दी बहुत ही बढ़िया अच्छा होता है। आपकी स्किन को लाइट करता है, ब्राइट करता है, जवां और खूबसूरत बनाता है दोस्तों, और आपकी आंखों के नीचे के काले घेरे वगैरह को ये दूर करता है। तो ये बेसन मास्क आपको लगाना है कभी भी आप नहाने के लिए जाते हैं। नहाने के पहले आपको आधा घंटा पहले इसको अपने फेस पे लगाएं ज़रूर, और लगाने के बाद आपको 15 से 20 मिनट तक आपको अपने फेस पे रखना है, और उसके बाद जो है अच्छे से ड्राई होने के, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है, 15-20 मिनट हो जाए तो उसको आपको अच्छे से अपने फेस पे इसको रब करना है। और रब करने के बाद जिससे क्या होगा, आपके फेस में वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स वगैरह होगा तो वो उसको निकाल देगा, कील मुहासे होंगे तो उसको निकाल देगा। तो 15-20 मिनट तक बाद बहुत अच्छे से ड्राई नहीं होता है, तो इतना में आपको क्या करना है, हल्का हाथ गीला करके और इस तरीके से आपको पूरे फेस पे रब करना है, जिससे कील मुहासे वगैरह निकल जाए, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स निकल जाए। और उसके बाद आपको अच्छे से ठंडा पानी से वॉश कर लेना है। 1 से 2 बार के इस्तेमाल से बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। कहीं भी आप बाहर वगैरह जाना चाहते हैं तो ये वाला फेस मास्क ईजिली बना करके यूज़ कर सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाइट आपका स्किन हो जाएगा।
अच्छा लगा आज का ये वीडियो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। आपसे मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।